हेलो क्लैशर्स, फाइनली वी आर बैक विद एन अमेजिंग एपिसोड ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। एंड गाइस, बहुत टाइम बाद हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ क्लॉक बेस्ड अटैक सिस्टम, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना जरूर होगा, बट यार काफी लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि क्या। सो क्लैशर्स, बेसिकली आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये क्लॉक सिस्टम होता क्या है एंड क्यों इसकी जरूरत पड़ी सीओसी में। ये सब कुछ आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड यार, अभी तक इस टॉपिक के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनी है यूट्यूब के ऊपर, सो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। सो प्लीज़ यार, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़, आपकी इतनी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। सो जस्ट यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो बनाने में और भी मजा आता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्लैशर्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्लॉक सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं श्योरली बता सकता हूँ। और वैसे भी इस टॉपिक के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, सो एक लाइक तो जरूर बनता है, सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अभी आपको मैं अपने ही बेस को यहाँ पे समझाता हूँ। आप लोग ये अज्यूम करो कि ये जो हमारा बेस है यही एनिमी का बेस है, और इसके ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्यों हमें क्लॉक सिस्टम की जरूरत पड़ी और ये क्लॉक सिस्टम होता क्या है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर आपको किसी को समझाना है कोई अटैक स्ट्रेटेजी, अपनी कोई अटैक स्ट्रेटेजी किसी को समझानी है, या किसी को अपनी अटैक स्ट्रेटेजी आपको समझानी है कि आप लोग इस तरीके से अगर इस बेस के ऊपर अटैक करो तो आप ट्रिपल कर सकते हो। सो आपको ही पता है यार, कई बार आपके क्लैनमेट्स को आपको समझाना होता है कि आप वॉर में ऐसे अटैक करो, या फिर आपको समझाना होता है अपने क्लैनमेट्स को मैं ऐसे अटैक करना चाहता हूँ। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, एंड अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस, बेसिकली अगर आप अपना अटैक किसी को भी समझाना चाहते हो सो आपको बोलना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस लग्जरी कलेक्टर के सामने से अटैक करना चाहता हूँ। सो यार ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब ऐसे अपना अटैक किसी को समझाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। सो इसी के लिए जो एक क्लॉक सिस्टम है की जरूरत पड़ी सीओसी में। सो बेसिकली आप जब भी किसी के ऊपर अटैक स्ट्रेटजी अपनी समझाना चाहते हो, मतलब किसी के भी ऊपर अटैक करना चाहते हो, तब आप लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल है। सो क्लैशर्स, अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इस क्लॉक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। मान के चलो, अगर आपको किसी को समझाना है कि आपको किस साइड से अटैक करना है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक क्लॉक की तरह नज़र आ रहा होगा। सो आपको भी अपने बेस को ऐसे ही समझना है। एंड उसके बाद अगर आप लोग अपना अटैक 12 o'clock से स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी भी साइड से स्टार्ट करना चाहते हो, सो उसे आप लोग क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी आपको इस इमेज को देख के आपके जितने भी डाउट थे होपफुली क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ पे जो विजार्ड टावर है उसके सामने आप लोग देख सकते हैं 12 o'clock है, मतलब अगर आपको वहां से अटैक स्टार्ट करना है तो आप अपने क्लैनमेट्स को समझा सकते हो कि मैं 12 o'clock से अटैक स्टार्ट करने वाला हूं, या फिर अगर आपको किसी को बताना है कि आप कैसे वॉर में अटैक कर सकते हो। सो क्लैशर्स, इस तरीके से आप लोग क्लॉक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, एंड स्पेशली वॉर्स में ये क्लॉक सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंड होपफुली अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस क्लॉक सिस्टम के बारे में। सो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। एंड यार इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यार फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड आपको मैंने पहले ही बताया ये इस टॉपिक के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो पर हम लोग 100 likes का एम कर रहे हैं, सो प्लीज़ यार कंप्लीट ज़रूर करना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। एंड अभी जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।